इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूं कह सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी कंप्लीट किया है, अब हम लोग इलेक्ट्रो डायनेमिक्स की तरफ जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, चार्ज हमेशा स्टेशनरी रहता था और बाई चांस अगर कभी मूव भी कराते थे तो स्लोली मूव कराते थे। यहां पर क्या है कि चार्ज मूव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि किसी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज जो है वो मोशन में होता है। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि जब भी किसी चार्ज को, मान लेते हैं चार इलेक्ट्रॉन हमने कंडक्टर के अंदर छोड़ दिया है ना, तो क्या होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं और ये बाउंड्री की तरफ, सरफेस की तरफ मूव करते हैं। जब तक ये सरफेस पर पहुंच नहीं जाते हैं तब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं, है ना। लेकिन जब ये बाउंड्री पर पहुंच जाते हैं तो वहां जाकर के ये स्टेशनरी हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और जब ये स्टेशनरी हो जाते हैं तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। ध्यान रहे कि जब ये चार्जेज सेंटर से या बीच का कोई पोर्शन है वहां से सरफेस की तरफ मूव कर रहे होते हैं तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जब सरफेस पर पहुंच जाते हैं, वो जाकर के रुक जाते हैं, तब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही यहां भी कह सकते हैं, यहां पर चूंकि चार्जेज हमेशा मूव कर रहे होते हैं, हमेशा डायनेमिक मोड में रहते हैं, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक की तरफ फ्लो करने की कोशिश करता है। मतलब अगर बात करें पॉजिटिव चार्ज की तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है ना। तो यहां पर चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। मतलब एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए, दूसरा पॉइंट लो पोटेंशियल पर होना चाहिए, तभी जाकर के करंट फ्लो करता है ना। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी यूज करते हैं। जैसे ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दो एंड्स को हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया है ना। अब ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई। हम लोग आगे बात करेंगे कि बैटरी का ईएमएफ क्या होता है, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये जानते हैं कि ये जो बैटरी है ये केवल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट कर देंगे, जैसे ये बड़ा सा प्लेट दिखाया ये हायर पोटेंशियल पर होता है, ये छोटा सा प्लेट दिखाया ये लोअर पोटेंशियल पर होता है, या निगेटिव प्लेट बोलते हैं। तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल दोनों हाई होगा, इक्वल होगा, है ना। तो यहां भी हाई पोटेंशियल हो जाएगा, यहां लो है तो यहां भी लो होगा। तो अब समझ सकते हैं कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर में एक एंड हाई पोटेंशियल पर है और दूसरा एंड लो पोटेंशियल पर है। ये हो गया हाई पोटेंशियल वाला एंड और ये हो गया लो पोटेंशियल वाला एंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होना चाहिए, है ना। जैसा कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो हाई से लो मतलब कि इधर जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अगर कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये चार्जेज पर फोर्स लगाएगा। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ता हूं तो इस इलेक्ट्रॉन पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगाया, क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, तो फोर्स इस पर लगेगा इधर की तरफ, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाने का मतलब हुआ कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब है हम आते हैं कि करंट का डिफिनेशन क्या होता है। करंट का डिफिनेशन होता है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। मतलब यह है कि जो कंडक्टर है इसका अगर मैं कोई क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं तो इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करता है उसको हम लोग कहते हैं करंट, ठीक। ये तो हो गया इसका जस्ट डिफिनेशन, लेकिन करंट का अपना डायरेक्शन भी होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट है उसके पास अपना डायरेक्शन भी है, फिर भी इसको हम लोग स्केलर कहते हैं,
क्यों? क्योंकि जो वेक्टर के पास तीन प्रॉपर्टीज होती है उनमें से ये दो को फॉलो करता है, दो प्रॉपर्टी जिसके पास होती है लेकिन तीसरी वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। वेक्टर के पास तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? एक तो होना चाहिए उसके पास मैग्नीट्यूड, दूसरा होना चाहिए उसके पास डायरेक्शन, तीसरा होना चाहिए कि वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करना चाहिए। तो करंट जो है इसके पास दो प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं करता इसको देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो मान लेते हैं कि पहले एक्स नीचे आया पार्टिकल, फिर एक्स इधर गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं, कहेंगे कि इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है रूट टू एक्स हुआ है ना। ये वेक्टर एडिशन रूल है, फ्री टेल से फ्री हेड को मिला देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन करंट के केस में ऐसा नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि कोई ऐसा वायर है जिसमें से यहां से आई करंट जा रहा है, यहां से आई करंट जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते कि यहां से यहां रूट टू आई करंट जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है ना, और इसीलिए करंट को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। कुछ लोग इसको टेंसर भी कहते हैं है ना, लेकिन हम लोग सिर्फ दो क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर, जो हमारे सिलेबस में है। टेंसर जो है उसके बारे में हमें कुछ भी जानना नहीं है, हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो करंट है वो हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो हो रहा होगा, अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए उस डायरेक्शन में करंट होगा है ना। एंड अपोजिट टू फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन माना जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट राइट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से, चाहे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा हो या निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा, या दोनों फ्लो कर रहा हो, करंट का डायरेक्शन जो है वो एक ही तरफ आएगा, आई। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब जो करंट है इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, या कह सकते हैं कि करंट जो है दो टाइप का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब करंट एट एनी इंस्टेंट टी, और एक होता है एवरेज करंट। एवरेज करंट हमेशा किसी इंटरवल में हम लोग फाइंड करते हैं। तो जब भी हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना होगा तो निकालेंगे कुछ इस तरह से, डी क्यू बाई डी टी। जैसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं तो डी एस बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालते हैं तो डी वी बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं तो डी डब्ल्यू बाई डी टी। बिल्कुल उसी तरह से इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे डी क्यू बाई डी टी डिफरेंशिएट करके। जबकि एवरेज करंट निकालेंगे तो एवरेज करंट हमेशा किसी बड़े से इंटरवल में निकाला जाता है, तो ये निकालेंगे टोटल चार्ज फ्लोन इन टाइम इंटरवल टी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल टी है ना। मतलब ये हो गया टोटल चार्ज फ्लोन इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी और डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से एवरेज करंट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड जो है हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में कहा गया है चार्ज क्रॉसिंग अक्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एट टाइम टी इज गिवन बाई क्यू इज इक्वल टू 3t² + 5t + 4 कूलम, देन फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो पहला काम करते हैं इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं है ना। जैसे कि मैंने बताया कि इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो तो चार्ज को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी क्यू बाई डी टी फाइंड करेंगे। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा 6t + 5 और 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 है ना। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गया। अब चूंकि हमें ये पता करना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर,
तो इसमें टी का वैल्यू 2 सेकंड रखेंगे, है ना। तो 6 इंटू टी का वैल्यू 2 प्लस 5, 6 इंटू 2 प्लस 5, तो ये हो गया 17 एम्पियर। जैसा कि हम जानते हैं कि करंट का यूनिट होता है एम्पियर में, तो ये एम्पियर में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसमें पूछा गया है एवरेज करंट इन इंटरवल टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो एवरेज करंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। इसमें लिखेंगे डेल्टा क्यू का मतलब हुआ 2 सेकेंड पर चार्ज फ्लोन माइनस 0 सेकेंड पर चार्ज फ्लोन, ये हो गया डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो 2 सेकेंड पर कितना चार्ज फ्लो किया होगा, इसमें टी का वैल्यू 2 रख देते हैं, तो यह आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4, ये हो गया Q2, ये वाला वैल्यू माइनस 0 सेकेंड पर निकाल लेंगे, टी का वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4, है ना, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, टाइम इंटरवल दिया गया है 0 से 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0, है ना। तो यहां पर देखेंगे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 12 प्लस 10 यानी 22, तो 22 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 11 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज करंट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसा कि हमने सीखा कि जब भी चार्जेज मोशन में होते हैं तो करंट फ्लो करता है, ठीक। चार्जेज का जो मोशन है वो दो टाइप का हो सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन हो सकता है। तो बारी बारी से हम लोग दोनों तरह के मोशन के कारण से जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे करंट ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ चार्ज। आप देखेंगे मैंने यहां पर एक कंडक्टर दिखाया हुआ है, मान लेते हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया है, है ना, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक। अब यहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है यहां पर कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, मान लिया कि ये जो वेलोसिटी है ये है वीडी। वीडी होता है एक्चुअली में, इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट स्पीड, है ना, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आगे हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे कि ड्रिफ्ट स्पीड एक्चुअली में होता क्या है। तो मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वीडी वेलोसिटी से चल रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, तो वेलोसिटी इंटू टाइम इंटरवल, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहां पर देखा जाए तो वीडी वेलोसिटी से जा रहा है, तो वीडी इंटू डेल्टा टी, इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करके यहां पहुंच जाएगा, है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा, ठीक है, डेल्टा टी टाइम इंटरवल में। तो इस लाइन के आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे, चूंकि सब वीडी वेलोसिटी से ही चल रहे होंगे, तो वो सारे के सारे इस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन वीडी वेलोसिटी से चल रहे हैं, अगर यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता है तो इसके आगे वाले इस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो हम यही पता करना चाहते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन को कितना इलेक्ट्रॉन या कितना चार्ज क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम में हम लोग क्या देखेंगे कि चूंकि यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया तो इसके आगे वाले सारे जो है इसको क्रॉस कर जाएंगे, यानी इस वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने चार्ज होंगे, वो सारे इसको क्रॉस कर जाएंगे, ठीक। तो पहले हम लोग पता करेंगे कि ये वॉल्यूम कितना है, क्योंकि ये जो कंडक्टर है इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं कि ए है, है ना। अगर एरिया ए है और ये लेंथ कितना है, वीडी डेल्टा टी, तो ये वॉल्यूम आ गया एरिया इंटू लेंथ, वीडी इंटू डेल्टा टी, ये लेंथ हो गया, ये एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है। इतने वॉल्यूम में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे इसको पार कर जाएंगे, ठीक। अब ये जो एन है
इन एक क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये अब हर मटेरियल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो इसको कहा जाता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के या जो भी मटेरियल है उसके यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही जो है वो ट्रेवल करते हैं, बाकी तो बॉन्डेड रहते हैं। हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन को ही पता करना चाहते हैं कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन इसको पार करेंगे या कितने फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होंगे वो इसको पार करेंगे। ठीक, तो कहा गया यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, वॉल्यूम को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ध्यान रखना है यूनिट वॉल्यूम में इतने हैं तो इतने वॉल्यूम में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये वॉल्यूम कौन सा था, ये वॉल्यूम था ये वाला, तो एन से मल्टीप्लाई करने से ये इस वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर निकल गया, ये हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वॉल्यूम। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, ई, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज होता है तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होंगे, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल चार्ज इन साइड दिस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर टोटल कितना चार्ज है, ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है कि ये सारा चार्ज जो इस वॉल्यूम में है वो सारा चार्ज इसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा टी टाइम में इतना चार्ज जो है वो इसको क्रॉस कर गया है, है ना, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में ही ये यहां से यहां पहुंचेगा, तो डेल्टा टी टाइम के अंदर इधर के सारे चार्ज इसको पार कर जाएंगे। तो अगर डेल्टा टी टाइम में इतने चार्ज पार करते हैं तो यूनिट टाइम में कितने पार करेंगे, डेल्टा टी से मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, और इसी को तो हम लोग करंट कहते हैं, चार्ज क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो करंट की वैल्यू यहां से ये आई, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी और डेल्टा टी को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा करंट इज इक्वल टू एन, ये हो गया एन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू ई, ई क्या है, चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक। अब ये जो वैल्यू है हमें याद रखना है, ये आगे कई जगह पर यूज में आता है, ठीक। और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल भी करते हैं। इस एग्जाम्पल में पूछा गया है फाइंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन अ मेटैलिक वायर ऑफ डायमीटर 1 मिलीमीटर हैविंग डेंसिटी 10^4 केजी पर मीटर क्यूब एंड एटॉमिक मास 100। मतलब एक ऐसा मेटैलिक वायर है जिसका डायमीटर है 1 मिलीमीटर, जिस भी मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की डेंसिटी है 10^4 केजी पर मीटर क्यूब, जिस मटेरियल से जिस एटम से बना है उसका एटॉमिक मास है 100, है ना। इसमें ये एज्यूम करना है कि एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, एज्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज 1। ऑल्सो फाइंड ड्रिफ्ट स्पीड इफ करंट इज 2 एम्पियर। तो सबसे पहले हमें पता करना है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डेफिनेशन यहां बताया, इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले हम लोग पता करेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे पता कर सकते हैं, हमें पता है कि मास को अगर एटॉमिक मास से या मोलिकुलर वेट से जब डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर कंडक्टर का जो भी वायर है, वायर का मास एम है और जो भी एटॉमिक मास है उसके मटेरियल का या एटम का, तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स इन वायर, है ना। अब हमें पता है कि एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल यानी कि एवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम्स,
6.023 × 10^23। ये जस्ट एक नंबर है। अगर मैं कहता हूं कि वन मोल एटम्स, मतलब कि इतने एटम्स। अगर मैं बोलता हूं कि वन मोल पीपल, मतलब कि इतने नंबर ऑफ पीपल, है ना। अगर मैं कहता हूं कि वन मोल ट्रीज, मतलब इतने नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो यहां पर अगर इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं तो कितने एटम्स होंगे। एक मोल में इतने एटम्स होते हैं तो इतने मोल में मैं अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर देता हूं, है ना। तो ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। ये जो टर्म्स हैं इनको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। मैं लिखूंगा मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ में कर लेते हैं, और बाकी जो दोनों हैं एवोगाड्रो नंबर और एटॉमिक मास, इनको एक साथ में कर देते हैं, है ना। अब देखेंगे कि ये जो टर्म है इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, ये होता है वॉल्यूम डेंसिटी, है ना, ठीक। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू रो इंटू एवोगाड्रो नंबर बाय एटॉमिक मास। ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो भी मेटेलिक वायर का बात किया गया है उसके यूनिट वॉल्यूम में इतने एटम्स हैं, ठीक। अब यहां पर देखें कहा गया है एज्यूम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज वन, यानी एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। अगर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है तो इतने एटम इतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, ये ध्यान रखना है। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो इंटू एवोगाड्रो नंबर बाई एम। ये और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, तो दोनों का नंबर बराबर आएगा, है ना। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। डेंसिटी यहां पर देखेंगे दिया हुआ है 10^4 एसआई यूनिट में केजी पर मीटर क्यूब। एवोगाड्रो नंबर तो एक नंबर है, इसकी वैल्यू रख सकते हैं 6.023 × 10^23 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 100 दिया गया है, तो इसको एटॉमिक मास को 100 ग्राम कह सकते हैं, यह है 100 ग्राम। जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डेंसिटी केजी में दिया हुआ है, सारा जो यूनिट है वो एसआई यूनिट में रखेंगे, तो 10^-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो अब देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगा यहां से 6.023 × 10^28, है ना। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछा गया था, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसकी वैल्यू यहां से आ गई 6.023 × 10^28, है ना। ये कह सकते हैं इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, है ना। चूंकि डेंसिटी पर मीटर क्यूब में दिया था, तो एक मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसके बाद पूछा क्या गया था, ड्रिफ्ट स्पीड, जबकि यहां पर करंट दिया था 2 एम्पियर। तो यहां जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है, I = NEAVD, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, I = NEA × VD। इसमें से हमें ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, तो ये होगा करंट डिवाइडेड बाई NEA, है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जो करंट है, करंट दिया गया है 2 एम्पियर, N की वैल्यू अभी हमने जस्ट फाइंड किया, यहां पर 6.023 × 10^28, ठीक। और E जो है वो है चार्ज ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि आता है 1.6 × 10^-19।
एरिया कैसे निकालेंगे, इसका डायमीटर दिया हुआ है तो एरिया निकालेंगे पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर बाई फोर, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं या पाई डायमीटर का स्क्वायर बाई फोर। तो डायमीटर है 1 मिलीमीटर यानी 1 × 10⁻³ मीटर, पाई ये होगा डायमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, ये SI यूनिट में आया। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 2.65 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, है ना। यह आ गया ड्रिफ्ट स्पीड, मैं यहां पर लिख देता हूं ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू आई 2.65 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड SI यूनिट में। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर सीखा कि अगर ट्रांसलेशनल मोशन हो चार्ज का तो किस तरह से करंट की वैल्यू निकालेंगे। अब सीखते हैं कि अगर चार्ज का सर्कुलर मोशन हो रहा हो तो कितना करंट फ्लो करेगा, है ना, यानी कि करंट ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज, है ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि अपने पास कोई चार्ज है क्यू, है ना, जो कि इस आर रेडियस के सर्किल पर घूम रहा है। ठीक है, ये चार्ज है क्यू, ये वी वेलोसिटी से सर्किल के पर घूम रहा है। ठीक है, तो अगर हमें पता करना हो, है ना, कि एक सेकेंड में ये कितने राउंड लगा रहा होगा, कोई ये क्रॉस सेक्शन है, है ना, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है इस क्रॉस सेक्शन को एक सेकेंड में कितनी बार पार करेगा, जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो पहला बात करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, एफ क्या है ये मान लेते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो अगर ऐसा माने कि जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये चार्ज एक सेकेंड में 5 बार चक्कर लगाता है, है ना, यानी 5 क्या हो गया इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इस क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज क्रॉस करेगा एक सेकेंड में, 5 क्यू। एक बार क्रॉस करता है तो कहेंगे क्यू चार्ज क्रॉस किया, अगर एक सेकेंड में 2 बार क्रॉस कर जाता है तो कहेंगे कि एक सेकेंड में 2 क्यू चार्ज किया, क्रॉस किया यहां से, और अगर एक सेकेंड में 5 बार क्रॉस करता है तो कहेंगे कि एक सेकेंड में 5 क्यू चार्ज यहां से क्रॉस किया है, है ना। तो अगर एक सेकेंड में उसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो एफ बार यहां से चार्ज क्रॉस करेगा, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि एक सेकेंड में एफ इंटू क्यू चार्ज क्रॉस करेगा, एक सेकेंड में जितना चार्ज क्रॉस करेगा उसी को तो हम लोग करंट कहते हैं। तो करंट आएगा यहां पर चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी, है ना, इसे ध्यान रखना है। मैं एक बार इसको फिर से समझा देता हूं, जैसे अगर ये एक सेकेंड में एक चक्कर लगाता यानी इसकी फ्रीक्वेंसी होती 1, ठीक है, तो मैं कहता यहां से कोई भी इसके पर एक क्रॉस सेक्शन ले लेंगे, एक सेकेंड में क्यू चार्ज क्रॉस करता, अगर एक सेकेंड में 2 चक्कर लगाता तो इसको 2 बार पार करता, तो मैं कहता एक सेकेंड में 2 क्यू चार्ज यहां से क्रॉस किया, अगर एक सेकेंड में 5 बार क्रॉस करता है यही चार्ज तो मैं कहूंगा कि एक सेकेंड में 5 क्यू चार्ज क्रॉस किया। तो ये 5 क्या है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी है, एक सेकेंड में 5 बार 5 चक्कर लगाने का मतलब 5 फ्रीक्वेंसी हो गई। तो एक सेकेंड में 5 क्यू चार्ज क्रॉस किया यानी करंट हो गया 5 क्यू, जिसमें से 5 क्या है फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज, इसलिए करंट हो गया फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज। तो जब भी सर्कुलर मोशन कोई चार्ज कर रहा होगा तो उसके कारण से करंट हम लोग निकालेंगे चार्ज को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग 1/टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, है ना, और टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, 2πr डिवाइडेड बाई वी, अगर वी स्पीड से चल रहा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी को ω/2π भी लिखा जाता है, ω/2π ऐसे भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो कई तरीके से इसको लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना है ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है, जो चार्ज घूम रहा होगा वो चार्ज लेंगे और जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ में घूम रहा होगा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बार में जो है वो करंट आ जाएगा।